अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब प्रेप क्लास? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। जी प्रेप क्लास, जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, आज हमारा उनवान है जुमले बनाएं। आज हम क्या करेंगे? आज हम बनाएंगे जुमले। जुमले बनाना बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर हम जुमले कैसे बना सकते हैं। जुमले बनाना बहुत आसान है। आप किसी चीज़ को देखें तो उसके बारे में आप कोई लाइन बोलें तो वो क्या होता है? वो जुमला होता है। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है और मैं उसके बारे में बोलूँगी कि मेरे पास एक गुड़िया है, तो ये क्या बन गया? जुमला। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं बोलूँगी मैं एक लड़की हूँ, तो ये क्या बन गया? जुमला। मैं प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ तो ये भी क्या बन गया? जुमला। इसी तरह आप लोग बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। जुमले बनाना बहुत आसान है, तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी प्रेप क्लास, आज क्या तारीख है? आज है 19 जनवरी 2021। 19 जनवरी 2021, और आज क्या दिन है? आज दिन है मंगल। आज कौन सा दिन है? आज दिन है मंगल। चलें आज प्रेप क्लास, अब मिलके हम जुमले बनाते हैं। अपने हाथ में एक अपनी पेंसिल पकड़ लें और अपने पास एक कॉपी पकड़ लें, क्योंकि मेरे साथ साथ मिलके आप जुमले बनाएंगे। ठीक है, चलें फिर हम शुरू करते हैं। जी प्रेप क्लास, क्या नज़र आ रहा है आपको? किस चीज़ की तस्वीर है ये? ये एक दरख्त है। हमने जुमला बनाया, ये एक दरख्त है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? चलें मैं आपको बताती हूँ कि हम इस जुमले को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ये, और इसके साथ बनाएंगे छोटी छोटी सी हे की आधी शक्ल। ठीक है, ये एक एक लिखना मैंने आपको पहले भी सिखाया था। अलिफ, ये काफ, एक ये एक दरख्त, दाल रे दर खे दरख, और फिर हम लिखा देंगे आखिर में दे दरख्त। ये एक दरख्त है। हे, पहले हे का शोशा बनाएंगे और इसके साथ बना देंगे बड़ी। इसको हम नीचे लगा देते हैं ऐसे, और जब हम अपना जुमला मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद हम लगा देंगे एक छोटा सा डैश। तो हमने जुमला बनाया, ये एक दरख्त है। ये एक दरख्त है। जी प्रेप्लास, ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, बिल्कुल ठीक। ये हैं अंगूर। तो हम अंगूर के बारे में जुमला बनाएंगे, वो अंगूर जामनी है। वो अंगूर जामनी है। तो आप लोग मेरे जैसे जुमले भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग अपने जुमले खुद बनाएं। ठीक है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। आप लोग हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे जुमले बनाएं, ठीक है? तो आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे जैसे जुमले बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये तो मैं आपको जस्ट बताने के लिए बता रही हूँ। तो चलें हम अपना जुमला लिखते हैं, वो अंगूर जामनी है। वाओ हे वो अलिफ नून अन, नून के साथ बनाएंगे गाफ अंग, गाफ के साथ बनाएंगे वाओ अंगू, और फिर हम लिख देंगे रे अंगूर। वो अंगूर जामनी कैसे लिखते हैं? पहले हम बनाएंगे जीम की आधी शक्ल, जा, साउंड आ रहा है जा, आवाज़ किसकी आ रही है? जा की। तो हम इसके साथ बना देंगे अलिफ, तो क्या बन जाएगा? जीम अलिफ जा। वो अंगूर जा, फिर
फिर हम बनाएंगे मीम की छोटी शक्ल, जाम, फिर किसकी आवाज आ रही है, नी, नून की, तो हम फिर बनाएंगे नून की छोटी शक्ल, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, नी, यानी कि छोटी ए की आवाज आ रही है, तो हम इसके साथ बना देंगे छोटी ए। जामुन, वो अंगूर जामनी हैं के लिए सबसे पहले हम हे का शोषा बनाएंगे, फिर ये का शोषा बनाएंगे और इसके साथ बना देंगे नून गुन्ना, और फिर क्या लगा देंगे हम छोटा सा डैश। अच्छा प्रे प्लस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखिए, एक लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ है। वैसे तो हमारा ये दूसरा टॉपिक है और हैं का, वो मैं आपको बाद में करवाऊँगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे वाजह करना चाहती हूँ है और हैं के बारे में। है हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा एक चीज़ के लिए, और हैं हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगी इसके बारे में, तो इंशाल्लाह जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। तो ये चीज़ फिलहाल आप याद रखें कि है हम हमेशा एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैं हमेशा ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ना अगला जुमला लिखते हैं जी। क्या नज़र आ रहा है आपको? सेब। क्या है ये? सेब। सेब के बारे में हम जुमला बनाएंगे, ये बिल्कुल हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था। सेब, सेब, सेब लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीन की छोटी शक्ल लिखेंगे, सीन के साथ ये की छोटी शक्ल लिखेंगे, और सीन ये से, अब इसके आगे हम लिख देंगे बे, सीन के साथ हमने लिख दी बे, सेब, ये सेब लाल, लाम, और फिर अलिफ, लाम अलिफ ला, और इसके साथ हम लिख देंगे लाम, ये सेब लाल है। ये सेब लाल है। पहले हमने जुमला बनाया, ये एक दरख्त है। दूसरा हमने जुमला बनाया, वो अंगूर जामनी है। तीसरा जुमला बनाया, ये सेब लाल है। उसके बाद देखें अगली पिक्चर हमारे पास किस चीज़ की है, हाथी की। तो हम जुमला बनाएंगे, हाथी के कान बड़े हैं। तो चलें बनाते हैं हाथी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाथी, पहले हम लिखेंगे हे के साथ लिखेंगे अलिफ, तो क्या बन जाएगा, हे अलिफ हा। अब लिखेंगे थी, अब देखिए ते की आवाज़ नहीं आ रही, किसकी आवाज़ आ रही है, थी की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दो चश्मी हैं, तो ये बन जाएगा थ। अब हमने हाथ तो नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हाथी। तो हम क्या करेंगे, हाथी, आखिर में किसकी साउंड आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, छोटी ए की, तो हम लिख देंगे छोटी ए इसके साथ, हाथी। अब लिखेंगे के, पहले लिखेंगे काफ की छोटी शक्ल और इसके साथ लिख देंगे हम बड़ी ए, हाथी के कान। कान लिखना तो सबको आता है, हमने सीखा था ना, जिसम के हिस्सों के नाम है, हमने कान लिखना सीखा था ना, तो कान लिखना सबको आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे काफ, अलिफ का, और इसके साथ लिखेंगे नून, हाथी के कान बड़े। पहले हम बे की छोटी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ लिख देंगे अड़े, बेड़े बड़, और फिर किसकी आवाज आ रही है आखिर में, बड़े बड़े, यानी कि बड़ी ए की आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ी ए। तो हमारा क्या जुमला बन गया, हाथी के कान बड़े है आएगा कि हैं आएगा। अब आप लोग मुझे बताएं, हाथी के कान बड़े है सही जुमला बनेगा, या हाथी के कान बड़े हैं सही जुमला बनेगा? जी हाँ, हाथी के कान बड़े हैं।
फिर आगे हम छोटा सा डैश लगाएंगे। तो हमने जुमला बनाया हाथी के कान बड़े हैं। जी प्रेप क्लास, क्या नजर आ रहा है आपको? फूल। तो फूल के बारे में मैं जुमला बनाऊंगी, ये फूल पीला है। तो चलें बनाते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये लिख लूंगी जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम ये लिखेंगे फिर उसके साथ छोटी सी एक की आधी शक्ल बनाएंगे, ये फिर फूल। पे नहीं आएगा, फूल होता है कि फूल होता है? फूल होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फे। फे। अब फे के साथ क्या होगा? वाओ। फे वाओ फू, फे वाओ फू। हम क्या लिख रहे हैं? फूल। तो अब आखिर में किसकी आवाज आ रही है? लाम की। तो इसके साथ हम लाम लिख देंगे। तो हमने लिखा ये फूल, अब हम लिखेंगे पीला। पे, पीला लिखने के लिए सबसे पहले हम पे की छोटी शक्ल बनाएंगे, पे के साथ हम बनाएंगे ये की छोटी शक्ल, इसके साथ हम लिखेंगे लाम। तो ये बन गया पील, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पीला लिख रहे हैं, तो हम लाम के साथ अलिफ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? पीला। ये फूल पीला है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। पहले हम हेक का शोशा बनाएंगे, सॉरी पहले हम हे और इसके साथ फिर बड़ी है, फिर हम छोटा सा डैश लगा देंगे। ये फूल पीला है। इसके बाद किस चीज की तस्वीर है? गाड़ी की। गाड़ी की। तो गाड़ी के बारे में मैं जुमला बनाऊंगी, वो एक गाड़ी। गाड़ी कैसे लिखते हैं? गाड़ी लिखते हैं गाफ अलिफ ग अड़े, यानी कि बन गया गाड़, और इसके साथ हम लिख देंगे छोटी, तो क्या बन गया? गाड़ी। वो एक गाड़ी है। वो एक गाड़ी है। तो ये क्या बनी हुई है? लड़की। ये क्या बनी हुई है? लड़की। तो मैं इसके बारे में जुमला बनाऊंगी, लड़की लाम। पहले हम लाम की छोटी शक्ल बनाएंगे, लाम के साथ हम बनाएंगे अड़े, लाम ने लड़, फिर हम काफ की छोटी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ बना देंगे छोटी है, क्या बन गया? लड़की। पढ़। पढ़ हम कैसे लिखेंगे? पे, पे की छोटी शक्ल बनाएंगे, इसके साथ हम लिखेंगे रे, और इसके साथ पढ़ तो नहीं होगा ना, पढ़ आखिर में हे की भी साउंड आ रही है, तो हम इसके साथ बना देंगे दो चश्मी हे। लड़की पढ़। फिर हम लिखेंगे रही। रही कैसे लिखेंगे? पहले रे, फिर हे की छोटी शक्ल, और इसके साथ हम बना देंगे छोटी ये रही। लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। इसके बाद किस चीज की तस्वीर है मेरे पास? किताब की। अब हम इसके बारे में जुमला बनाऊंगी, ये मेरी। मेरी लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? मीम। इसके साथ मैं बनाऊंगी ये का शोशा, और इसके साथ मैं बना दूंगी रे, तो ये क्या बन गया? मेर। लेकिन हम तो लिख रहे हैं मेरी, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे इसके साथ छोटी है, ये मेरी
अब मैं लिखने लगी हूँ किताब। क्या लिखने लगी हूँ मैं? किताब। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी काफ की छोटी शक्ल, काफ। अब मैं इसके साथ बनाऊँगी ते का शोशा, किता कित। अब मैं इसके साथ लिखूँगी अलिफ तो बन जाएगा किता, किता। सही वर्ड है? नहीं। अब मैं इसके साथ क्या लिखूँगी आखिरी आवाज़ को देखे, किताब। बे का साउंड आ रहा है, बे की आवाज़ आ रही है, तो मैं यहाँ इसके साथ क्या लिख दूंगी, बे। ये मेरी किताब है। जी ब्रेक क्लास, इस तरह से मैंने क्या लिखा, जुमले। तो चलें हम अपने जुमलों को एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक दरख्त है, वो अंगूर जामनी हैं, ये सेब लाल है, हाथी के कान बड़े हैं, ये फूल पीला है, वो एक गाड़ी है, लड़की पढ़ रही है, ये मेरी किताब है। ठीक है प्रेप क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के उनवान के मुताबिक जुमले बनाने आ गए होंगे। तो इसकी ज़रूर एक दफ़ा भी आप कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपसे भी ये ज़रूर होंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे जुमले बना के मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।